दो। देख बोली तो रिकॉर्ड है फिर तो ठीक अरे मेरे को कोई दिक्कत कहाँ है। है यार कोई तो क्या हाल है बच्चा लोग। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह एंड स्काई हाइट्स क्लासेस की तरफ से आपका मैं फिर से वेलकम करता हूँ। हम लोग की नीट 2025 की सीरीज चल रही है बेटा, और हम लोगों ने नीट के रिलेटेड पढ़ना दोबारा से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक, लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर चुके थे हम लोग, और इसके अंदर हम लोग का नया टॉपिक था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना, देखो लिविंग क्या है उसी दिन बता चुका हूँ, चाचा फूफी का एग्जाम्पल ले लेके। ठीक, साथ में माउंट एवरेस्ट का भी कई बार जिक्र आया, और फिर ये हमारी आदि टेबल को बढ़ा भी किया हम लोगों ने, है ना। तो अब बात करते हैं हम, ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसके अंदर मतलब जो अर्थ है हमारा, उसमें सिर्फ इंसान तो रहते नहीं है, इंसान के अलावा बहुत है, जैसे कि वो छिपकलियां जिनको देख कर लड़के खिच्ची मार के इधर उधर भाग जाती है ना, प्यारे प्यारे कॉकरोचेस भी हैं, ठीक, ब्यूटीफुल आंट्स भी हैं, राइट। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ हम लोग इस वर्ल्ड को शेयर करते हैं। ठीक, तो ये शेयरिंग विद अदर लिविंग स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं बायो डायवर्सिटी। ठीक, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्स टू दी बायो डायवर्सिटी। बायो और डायवर्सिटी को जब अलग करोगे तो बायोलॉजिकली लिविंग डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उसका पूरा का पूरा शब्द का मतलब निकल के आता है। ठीक, तो एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर रहने वाली जितनी भी स्पीशीज हैं वो सब के सब बायोडायवर्सिटी के अंदर देखी जाती हैं। ठीक, 1.7 टू 1.8 मिलियन अलग अलग स्पीशीज के साथ हम इस धरती को शेयर करते हैं। ठीक है, तो प्रबल सर हमारी भी अलग अलग स्पीशीज है, एक ही है। सो 1.7 टू 1.8 मिलियन, पहले बता दे रहा हूँ मिलियन का मतलब एक मिलियन में होते हैं 10 लाख, YouTube देख देख के तो याद हो ही गया होगा कि 1 मिलियन फॉलोअर चाहिए, 1 मिलियन फॉलोअर चाहिए, राइट। ये स्पीशी डायवर्सिटी है जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, एंड असल बात ये है कि हम लोग इस पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी को अभी तक, सॉरी ये तो क्या कहते हैं खोजी हुई डायवर्सिटी है, मतलब इतने जीवों को हम लोगों ने खोज लिया है। रॉबर्ट मे के द्वारा सबसे बढ़िया एस्टिमेट दिया गया था कि इस धरती के ऊपर 7.2 मिलियन अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जिनके साथ हम इस धरती को शेयर करते हैं। ठीक, तो 7.2 मिलियन का मार्ग बहुत लंबा है, और अब तक हम लोगों ने जितनी खोजी हैं उनका मार्ग बहुत कम है। ठीक, तो खोजना बाकी है, क्या पता खोजने से पहले चाइना वाले फिर से एक आध दो को निपटा दें। सो अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, जो अलग अलग स्पीशीज आ रखी हैं, हमको कैसे पता चलेगा कौन सी स्पीशी कहाँ बिलोंग करती है, कोई जानवर है, कोई पौधा है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, या फिर कोई बैक्टीरिया है या वायरस है। ठीक, तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम सिस्टमेटिकली हर ऑर्गेनिज्म को उनकी अलग अलग रिस्पेक्टिव क्लासेस, ऑर्डर्स, फाइलम, किंगडम के अंदर रख सकते हैं। ठीक, सो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जैसा लिखा हुआ है ना इसी फॉर्म के अंदर होता है। सबसे पहली बात तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म पेड़ है, कीड़ा है, मकोड़ा है, क्या है। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया एनिमल है, कि बैक्टीरिया है, कि प्लांट है, कि एल्गे है, व्हाटएवर। ठीक, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना है कि उस रिस्पेक्टिव ग्रुप में अगर एनिमल है तो एनिमल के ग्रुप में ये कहाँ बिलोंग करता है, कौन सी क्लास में बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर में बिलोंग करता है ना, कौन से फाइलम में बिलोंग करेगा। ठीक, सेकेंड इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ दैट आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि हाँ भैया ये किंगडम किंगडम उससे मोनेरा से बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा की इस क्लास से बिलोंग करता है, इस ऑर्डर से बिलोंग करता है। ठीक, अब उसके बाद बारी आती है उसके नामकरण की, है ना, दिखता कैसा भी हो जैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे उसके हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। ठीक, तो नॉमेनक्लेचर आता है सबसे लास्ट में, और सबसे पहले आता है
आइडेंटिफिकेशन, एक बार नीट में इस पे भी क्वेश्चन बना था, नीट में नहीं शायद तक एम्स में बना था, इन 2016 या 2015 के करीब में बना था, कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज मेंट बाय सिस्टमैटिक, बहुत सिस्टम सिस्टम करते हैं ना वाला, नहीं वो जो पढ़ा होगा बाकी तो जानते ही हो। तो लैटिन में सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, क्योंकि हम लोग लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो हम सिस्टमैटिकली हर ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, ठीक। सबसे पहले उसकी स्पीशी आती है, ठीक, फिर वो कौन से जेनरा से बिलोंग करता है वो आता है, राइट। ये सारी की सारी स्पेसिफिक चीजें एक दूसरे के ऊपर आती रहती हैं, उसके हिसाब से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को इजिली क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक। जैसे हमको पता चला कि हमको कोई एक प्लांट ढूंढना है ना, तो हमको बहुत बड़ा क्या कहते हैं 7.2 मिलियन किताबें नहीं छाननी पड़ेंगी, हम सिर्फ प्लांट वाले सेक्शन में जाएंगे, किंगडम प्लांट वाला, ठीक। उसके बाद हमको पता चला कि उसका फाइलम जो है वो टेरिडोफाइट है, तो बहुत सारी किताबें नहीं ढूंढनी है प्लांट किंगडम के अंदर, हमको सिर्फ टेरिडोफाइट ढूंढना पड़ेगा, है ना। फिर टेरिडोफाइट की हम लोग को क्लास ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी क्लास से करता है, किसी ने बोला कि सिलोप्सिडा से बिलोंग करता है, राइट। टेरिडोफाइट की बहुत सारी क्या कहते हैं किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, सीधा सिलोप्सिडा में जाएंगे, ठीक। तो इजिली हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, कैसे, जब हमने उसको सिस्टमैटिक वे के अंदर अरेंज किया हो और सिस्टमैटिक वे के अंदर उसका आइडेंटिफिकेशन किया हो, राइट। तो सिस्टमैटिक्स डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक। देखो इस धरती के ऊपर चाहे पेड़ हो या फिर सबसे बड़ा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सबसे एडवांस जो होते हैं, सब के सब कहीं ना कहीं जाके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक जैसे मिलते हैं, ठीक। ना समझ में आए, सेल स्ट्रक्चर तो समझ में आता है ना, सेल इज द बेसिक यूनिट, राइट। हर कोई ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, ठीक। जितने भी क्या कहते हैं मोनेरा को छोड़ दें, बाकी सबके पास क्या कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, प्लांट्स के पास भी है, एनिमल्स के पास भी है, है ना, सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी के पास, बस प्लांट्स के अंदर दिक्कत ये हो जाती है कि वो क्लोरोप्लास्ट लेके घूम रहे होते हैं, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो हर कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्या कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ऑर्गेनिज्म, हर किसी ने एक जैसी ही सिस्टम में हायरार्की रखी है, ठीक। कैसे, क्योंकि इनिशियली कभी प्लांट्स पैदा हुए होंगे, है ना, अब वो बेचारे क्या कहते हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए इधर उधर भाग नहीं सकते थे, एक जगह पर खड़े हुए थे, ठीक। तो क्या पता उन लोगों ने एडवांसमेंट के साथ अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाए हों, ऐसे पेड़ पौधे बनने की कोशिश की जो क्लाइंब अप कर सकते हैं, राइट, लाइक क्रीपर्स, राइट। फिर उनसे भी काम नहीं बना, जुड़े तो एक ही जड़ से हैं, तो उन्होंने शायद कोशिश की हो कि हम युगलीना जैसी कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। युगलीना को एक तरीके से माना जाता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या कहते हैं जब तक धूप रहती है तब तक वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, और जैसी धूप चली जाती है तो हेटरोट्रॉफ बन जाते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, हेटरोट्रॉफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, ठीक। उसके बाद जब उनको दिखा कि बनाने वाले पेड़ पौधे तो खत्म होंगे नहीं, तो मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है, मैं सीधा उनका शिकार करूंगा, तो सीधे अल्टीमेटली कोई ना कोई जाके हेटरोट्रॉफ में कन्वर्ट हुए, ठीक। तो सिस्टमैटिक स्टडी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई क्लासिफाई करने की कैटेगरी नहीं बताती है, ये हमें बताती है कि कैसे इवोल्यूशनरी हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक। तो सिस्टमैटिक्स इज अ ह्यूज ब्रांच, ठीक। सिस्टम ऑफ नेचर इज द बुक रिटन बाय द कार्लोस लिनेनियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाला, इसको मार्क कर लेना, लिनेनियस चाचा ने क्या लिखा था, सिस्टम ऑफ नेचर लिखी थी उन्होंने किताब, जिसके अंदर उन्होंने कई सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगला चैप्टर तब पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या क्या बेसिस हैं जिनके थ्रू हम लोग टैक्सोनॉमी को पढ़ सकते हैं, ठीक। कैरेक्टराइजेशन, क्या होता है कैरेक्टराइजेशन बताना चाहेगा पहले, उसके बाद ही आगे का पढ़े, ज्यादा सिमिलर दिखता है, ठीक है ना। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम उसको एक अलग क्लास में रख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं मैंने 7.2 मिलियन स्पीशीज बोली, है ना,
लेकिन 7.2 मिलियन की आबादी तो नहीं है ना, हम तो खुद की आबादी देखे तो भी हम लोग 7 बिलियन से ज्यादा हैं। तो हर किसी का अपना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग डिफरेंस करता है, जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करेगा। ऐसा नहीं पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है कि भैया वो तो सऊदी अरेबिया में रहता था, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अलग स्पीशी घोषित कर दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। चींटी यहां पर भी दिख रही है, चींटियों की डाइवर्सिटी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ वो लोग अलग डिफर करते हैं ना, जिसकी वजह से उनको एक अलग स्पीशी का नाम दे दिया जाता है। जो बोला जाता है ना चींटी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, एक लाल है, एक काली है, कुछ छोटी वाली होती है, कुछ बड़ी वाली होती है ना, तो उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई या फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक, जो मैंने बोला कि हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा पहले, उसको आइडेंटिफाई करने से पहले, कि इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि इसको हम एक अलग नाम से जाने या एक अलग स्पीशी से जाने। राइट, इट इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सटर्नली डिफर करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सटर्नली तो सिमिलर हैं बट इंटरनली डिफर करते हैं। ठीक, सांप हमेशा काटता ही है ये तो हमको पता है ना, बट हर किसी के काटने का अलग अलग तरीका है। एनाकोंडा है वो तुमको जकड़ के मार देगा, ब्लैक मांबा है वो तुमको डस के मार देगा, किंग कोबरा है उसका जहर सबसे डेडली होता है। राइट, तो उनके पोटेंट ऑफ पॉइजन के हिसाब से, उनके क्रॉलिंग स्पीड के हिसाब से या उनकी बाइटिंग स्पीड के हिसाब से हम लोग सांपों की अलग अलग वेराइटीज को जानते हैं, है ना। वो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर से डिफर करती हैं, दिखने में तो सारे के सारे लंबे होते हैं, है ना, सारे के सारे रेंग रहे होते हैं और सबको देख के ही एल्डोस्ट्रॉन और क्या कहते हैं अपना बीपी बढ़ जाता है एकदम से कि भागना पड़े, है ना। सो उनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक, सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से कर सकते हैं कि प्लांट का सेल है, एनिमल सेल है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं। राइट, उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस के हिसाब से उनको डिफर कर सकते हैं। ठीक, जैसे एम्ब्रियोलॉजिकली इनिशियली अगर देखा जाए सारे के सारे मैमेलियन कैरेक्टर्स जो होते हैं, जब उनका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो एक स्टेज पे सबका एम्ब्रियो एक जैसा दिखने लगता है। ऐसा थोड़ी है कि घोड़े के अंदर कोई एम्ब्रियो पनप रहा था, वो बच्चा इंसान थोड़ी बन के निकल आएगा। उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस अलग है, हम उनके हिसाब से उनको डिफर कर सकते हैं। कई ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं बट उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस ही बहुत ज्यादा अलग है, तो क्या उनको अलग स्पीशी का नाम नहीं दिया जाएगा, देना पड़ेगा। ठीक, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कौन से इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं, है ना। कुछ प्लांट की स्पीशीज है मतलब रहते एक ही जैसे हैं, एक ही जैसा पोटेंट बनाएंगे, बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं, ठीक, लेकिन अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है, कोई टेरेस्ट्रियल में, कोई एक्वेटिक में, है ना। अब हवा में मत बोलना, हवा में कोई पेड़ पौधा नहीं जा सकता। ठीक, इसके अलावा और सारे कई बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर हम किसी को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन एक बहुत बड़ा की रोल निभाता है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर कि कैसे हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को जाने। ठीक, फिर बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। ठीक, हम लोग ये आइडेंटिफाई ही तो कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानकर हम उन्हें एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से ही तो देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो लिटरली इस ग्रुप से बिलोंग करता है कि नहीं। जैसे हमने कोई सेल देखा, हमको पता चला वो प्लांट सेल से ही बिलोंग करता है। ठीक, बहुत खोजबीन की हमने, ठीक, लेकिन अल्टीमेटली हमको प्लांट सेल के अलावा और कोई कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से मिलता जुलता नहीं लगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर युगलीना से मैच करने की कोशिश की, हमको पता चला कि हाँ भैया ये युगलीना जैसा दिख सकता है। ठीक, जब तक हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होंगे तब तक हम उसको इजिली आइडेंटिफाई या फिर इजिली क्लासीफाई नहीं कर सकते। ठीक, आइडेंटिफिकेशन इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। ठीक, तुमने फीचर्स पता किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम उसका एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन जब तक नहीं लिखोगे तब तक तुम उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। सांपों की अलग अलग वैरायटीज हैं कि भैया ये भी रेंगता है, है ना, तो फिर तुमसे जाके पूछ लेगा तो बताओ ये ब्लैक मांबा में और तुम्हारे खोजे हुए सांप में क्या अंतर है, वो भी रेंग रहा है ये भी रेंग रहा है। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन लिखोगे जिसकी वजह से हम उसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक, तो कैरेक्टराइजेशन पहले करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे उसका। ठीक, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट
कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज को टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सा बोला जाता है, ठीक है ना, टैक्सी वाला नहीं, टैक्सा, कि एक कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। सो एक ग्रुप का नाम रख दिया जाता है सिंगुलरली टैक्सा, और टैक्सास नाम दे देंगे जब वो प्लूरल फॉर्म में, ठीक है ना। तो तुमने उसका कैरेक्टराइजेशन किया, उसका एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिखा, ठीक। उस डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोगों ने ऐसे पेपर छान के मारे कि यहाँ देखो कौन से वाले से बिलोंग कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ डाल सकते, राइट। एंड लास्टली बारी आती है नॉमन क्लेचर की, ठीक। इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे तोरई बोलते हैं, है ना, कहीं और चले जाओगे तो कुछ और बोलते हैं, बिहार साइड पे तरकारी बोलते हैं, है ना, हाँ भाई तरकारी बोलते हैं। सो अलग अलग प्रदेशों के अंदर एक ही चीज का अलग अलग नाम रख दिया जाता है, है ना। कुत्ते को तुम यहाँ पे कुत्ता बोल रहे हो, कहीं और पे कुछ और बोल रहा होगा, कोई कुकुर बोल रहा है कोई, है ना, कोई साउथ साइड में बुक्का बोल रहा है। सो हर जगह पे उस कुत्ते का नाम डिफर हो गया है, बट जब उसको हम लोग एक साइंटिफिक नेम के द्वारा जानेंगे कि हाँ भैया ये कुत्ता इस कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसका यही नाम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तुम्हारे घर के एक्सेप्शन से क्या फर्क पड़ रहा है, बायोलॉजिकली उसका जो नाम रखा गया है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक। कोई भी स्पीशी आइडेंटिफाई हुई, उसका कैरेक्टराइजेशन हुआ, उसका हमने नॉमनक्लेचर जो करना है वो उसके एनी बेसिस पे किया जाएगा, एंड जो नाम रख दिया गया है बायोलॉजिकली हमेशा वो नाम वही रहेगा, ठीक। रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया और कंट्री टू कंट्री लोकल नेम्स डिफर कर सकते हैं, बायोलॉजिकल नेम कभी डिफर नहीं करते हैं, ठीक, इस चीज को याद रखना। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके किसी का नामकरण किया जाता है वो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है ना। अब ऐसा ना बोलने लगना कि सर आपका नाम प्रवेश कुमार है तो आपका नाम भी बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि यहाँ पर दो डिफरेंट टैक्सा का इस्तेमाल किया जाने वाला है, ठीक, एक अलग कैटेगरी को बिलोंग करेगा और दूसरा अलग कैटेगरी को, ठीक। ये कार्लोस लिनेनियस ने प्रपोज किया था, जिन्होंने सबसे पहले बात की थी किसकी, सिस्टमा नेचर की, ठीक है ना, जिन्होंने बायोडाइवर्स, वो अपने टाइम के सबसे ज्यादा देखा जाए ना कि एडवांस्ड उनमें से, ठीक, और सिंपल सी बात है जो समय से ज्यादा आगे होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती, ठीक। लेने के लिए आप मेंडल का एग्जाम्पल ले सकते हो, मेंडल अगर नहीं होते तो मैं लिटरली बोलता हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट सारे फेल होते बहुत लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि कभी हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलती, मिलती, बट बहुत लंबे समय तक हम लोग को ये पता ही नहीं चलता। उस टाइम के बायोलॉजिस्ट ने क्या बोल दिया कि तुमने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है, हम तुम्हारी थ्योरीज को नहीं मानेंगे, ठीक। अब बेचारे नहीं माने तो क्या करें, उनके मरने के बाद उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हम सोचे मरने के बाद वो आदमी करेगा भी क्या उसका। तो बोटेनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, और जूलॉजिकल नेम्स बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल कोड, बेटा ये गलत है, ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बहुत साफ साफ सीधे सीधे अक्षरों में एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कहां पे, आईसी, अरे यार ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक बार ये एम्स का क्वेश्चन था, ठीक, आधे ज्यादा बच्चों ने सीधा फॉर 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 मारा है, राइट, क्योंकि हम लोग जूलॉजिकल हैं यानी कि एनिमल्स हैं, तो हमारी क्या कहते हैं जूलॉजी पढ़ी जाती है और हम लोग प्लांट्स को पढ़ते हैं, सो फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक। सो फॉर और ऑफ के अंदर नाम याद रखना, अगर एग्जामिनर गलती से खुद ही दे दे अपने आप कहीं पे ऑफ ना मिले तब तो फॉर लगा ना, अगर नहीं दिया है उसने स्पेसिफिकली लिख दिया है ऑफ तो ऑफ ही मार के आना, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, ठीक। आधे ज्यादा को तो यही नहीं पता होगा कि चीज भी दे रखी है, पढ़ जाते 25-30 बार ही, फिर पेपर में जाके गलत कराते हैं ना, फिर नीट वालों को भरने को मिलता है ना पर्चा कि आपको जो जो दिक्कत हो
पेपर में आपको आंसर्स में तो भर देना, तो 1000 रुपए भी गवा देते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो यूनिवर्सल रूल्स क्या है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के, ठीक, कौन से अधिनियमों द्वारा किसी का नामकरण किया जाएगा, ठीक है ना, जैसे हिंदुओं के अंदर अलग है, इस्लाम में अलग है, सिखों में अलग है, तो ऐसे ही बायोलॉजी की भाषा में नामकरण का अलग अधिनियम है, ठीक, एंड यही अधिनियम हमेशा मापा जाता है, ठीक। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, ठीक, एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक, नाम जो होगा वो लैटिन होगा लेकिन लिखना इटैलिक्स के अंदर है, ठीक। अब तुम इटैलिक्स में लिखना मत बैठ जाना क्योंकि तुम इटैलिक्स नहीं लिख सकते, ठीक, उसके लिए एक अलग अधिनियम दिया गया है। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली, ठीक है ना, अगर हाथों से लिख रहे हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज कंप्यूटर बेस्ड तो उसको लैटिन में लिखने की, सॉरी इटैलिक्स में लिखने की क्षमता रखता है, ठीक। कितनी तीन अलग अलग चीजें हैं इसके पास, लैटिन में है, होता नाम लैटिन में है, लिखा इटैलिक्स में जाएगा, और अलग हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन मारना पड़ेगा, ठीक, अलग अलग है भाई सबकी। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा जीनस को इंडिकेट करता है, ठीक, कौन से जीनस से बिलोंग करता है, जीनस इज अ एक्सा एक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक, और जो सेकंड वर्ड होगा दैट इज स्पीशीज, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, ठीक। तो हर किसी को अब तक याद हो ही चुका होगा, 5-6 बार टेस्ट दे चुके हो, जैसे कि होमो सेपियंस यानी कि इंसान, ठीक, होमो जो है यहां पर रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और सेपियंस इंडिकेट करता है हमारे स्पीशी नेम को, ठीक। ऐसे होमो हैबिलस भी है, होमो इरेक्टस भी है, यस, अगले साल इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो ये भी ह्यूमंस की प्री हिस्टोरिक वो है, क्या कहते हैं, स्पीशीज थी। अब तो पाई नहीं जाते कि पुराने जमाने वाला वो 25,000-30,000 साल पुराना इंसान पाया जा रहा है ना, कि अभी भी वो पत्थर से आग लगा रहा है। जीनस नेम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, एक चीज देखना, हमेशा जीनस का जो नेम रहेगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा और उसके बाद कंटिन्यूअसली हैंड रिटन फॉर्म में ही वो चलते रहते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स का ही हमको इस्तेमाल करना है। कई बार इसी के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा अप डाउन कर देते हैं, जिसने पढ़ रखे हैं वो कर लेता है, अदरवाइज वो अपने घर के अधिनियम लगा देता है कि हमारे तो नाम के आगे पहले भी कैपिटल लेटर था, सरनेम में भी कैपिटल लेटर है, तो काई जानवरों को में नहीं होगा, है ना। जैसे मैग्निफेरा इंडिका, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया, जीनस का नाम जो रहेगा वो कैपिटलाइज रहेगा और क्या कहते हैं, जो स्पीशी का नाम रहेगा वो स्मॉल लेटर्स में रहेगा, कंटिन्यूस लेटर में रहेगा, ठीक है ना। स्पेलिंग, नेम ऑफ द ऑथर इन एब्रिविएशन फॉर्म अपीयर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, जिसने भी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा है, जिसने उसको आइडेंटिफाई किया है, उसका नाम आगे इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है ना। और देखो हमारे में ही गलती है, तो जैसे लिनेनियस ने मैंगो की स्पीशी के बारे में लिखा था तो उनका नाम ऑथर का लास्ट में लिखा जाता है, दैट इज मैग्निफेरा इंडिका लिनेनियस, ठीक है ना। उनके तीन शब्दों का इस्तेमाल, तीन चार शब्दों का इस्तेमाल करके डॉट लगा दिया, ठीक, इंडिकेट करता है कि स्पीशी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेनियस, पहली बार लिनेनियस ने उसको जाना था। अब जिसको ज्यादा बॉटनी पढ़ने का शौक हो तो बाद में 12वीं के बाद बॉटनी ले लेना, उसके बाद आराम से ऑथर पढ़ते रहना, ठीक है ना। लास्ट वाले का तुमको कोई काम पड़ेगा नहीं, ठीक, ऊपर के चार याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है इसलिए, अब खैर बनने लगा क्योंकि सिलेबस कम कर दिया तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा दें। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है अब वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, कई सारे मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। देखो सबसे पहले तुमने उसको कैरेक्टराइज किया, उसको फिर आइडेंटिफाई किया, है ना। और जब मैं बोल रहा था कि नामकरण करना है कि ऐसे थोड़ी मन कर रहा कि इसका नाम भूषण कुमार रखेंगे, है ना, तो अपने मन से थोड़ी रख दोगे। उसका नाम रखने के जो तरीके हैं उसको भी बहुत डीपली पढ़ा जाता है, ठीक, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, कौन से टैक्सा से बिलोंग करेगा, क्या उसका सेल स्ट्रक्चर है, कहाँ पर रखा जाना चाहिए, क्या उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इट इज अ डीप स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक, तो बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होल्ड करके रखता है। कोई भी एक अलग स्पीशी जब क्या कहते हैं नजर में आती है तो उसके लिए बहुत गहन अध्ययन किया जाता है, इसलिए इनिशियली क्या करते हैं, एक लोकल नेम से उसको इंडिकेट कर देते हैं। ऑलमोस्ट अ मंथ इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिकेटिंग द होल क्या कहते हैं स्पीशी,
एक स्पीशी के नामकरण में एक महीना लग जाता है ना। अब घर का थोड़ी है कि पंडित से जो पता करके आ रहा है कि पंडित जी नाम बताओ क्या रखा जाए। यहाँ पे बायोलॉजिकल पंडितों से पूछा जाएगा कि बताओ इनका नाम क्या रखा जाए। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक, जो हम लोग को उसने हम लोगों ने जो आइडेंटिफिकेशन वाला स्टेप पढ़ा है ना वही मल्टीपल स्टेप का है कि कौन से किंगडम से है, कौन से फाइलम से है, कौन से डिवीजन से है, कौन से क्लास से है, कौन से ऑर्डर से है, ये सब पता करने में ही बहुत टाइम गुजर जाता है। ठीक, सो हर एक स्टेप जो रहता है एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होता है। तुम हर एक स्टेप आगे बढ़ोगे एक नई कैटेगरी को खोजना पड़ेगा। ठीक, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक, हर एक कैटेगरी जो होती है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक, मैंने बोला ना हर एक स्टेप आगे बढ़ोगे एक नया क्लासिफिकेशन तुमको खोजना पड़ेगा। ठीक, तो हर एक स्टेप आगे बढ़ाने पे एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तुमने पार की, उसके साथ ही तुमको एक अलग अलग क्लासिफिकेशन के ग्रुप से होकर गुजरना है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टैक्सा। ठीक है, एक टैक्सोन बोलते हैं, जैसे कि क्लास मैमेलियन। ठीक है ना, ये एक टैक्सोन है या एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक, कई सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक अपने साथ होल्ड करते हैं, जैसे मेमरी ग्लैंड। मैमेलियन क्लास में पाए जाने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास मेमरी ग्लैंड होता है, तो सारे के सारे एक क्लास में बिलोंग करते हैं। अब उनकी अलग अलग जीनस होंगे, अलग अलग स्पीशीज होंगी, अलग अलग ऑर्डर्स में बिलोंग कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़े। ठीक, देखो ये स्पीशी स्पीशी जो लिखी हुई है उससे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूँ। आधे से ज्यादा हमारे यूट्यूब वाले बालकों को तो यही नहीं पता होगा कि याद कैसे करते हैं उसको ना। तुम लोग बोलना कि किंगडम फाइलम क्लास वाले कैसे याद करते हैं। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट स्पॉइल, है ना। ये है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम और डिविजन्स। ठीक, देन क्लास, देन ऑर्डर, नेक्स्ट इज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक, इसी ऑर्डर के अंदर बढ़ा जाता है। ठीक, तो यूट्यूब वाले बालकों का भला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी सबसे पहले कैटेगरी है जो हम लोग उल्टे ऑर्डर में पढ़ते हुए जाएंगे, दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड हम लोग को मिल सकता है, जिसकी पहली बार बातचीत की थी हमारे मेंडल चाचा ने, जिनको आखिरकार कुछ भी नहीं मिला। मरने के बाद मिला क्या ही होगा। सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आती है, ठीक, सबसे लास्ट में ही बेचारे का नाम रखा जाता है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई काम नहीं है, सबसे ज्यादा काम स्पीशीज का ही होता है, वो इंडिकेट करती हैं कौन कहाँ बिलोंग करेगा। ठीक, जैसे कि हमारे काम हमारे यहाँ पे पाए जाने वाले कॉमन कॉमन नेम कौन से, मैंगो, पोटैटो, नाइट शेड, टोमेटो, ब्रिंजल, लायन, टाइगर, लेपर्ड और मॉडर्न मैन। ठीक है, ये है इनके जेनेरिक नेम यानी कि जीनस। ठीक, और इनकी क्या स्पीशीज है। ठीक, मैग्निफेरा इंडिका एक अलग स्पीशी है, मैग्निफेरा और कुछ एक अलग स्पीशी होगी। ठीक, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम लैक्रो पर्सिकम। ठीक है ना, ये सोलैनम के तीन अलग अलग भिन्न और सॉरी चार भी हैं, चौथा भी है मेलोगनो गैना। राइट, मेलोनो गैना ही तो है भाई। तो ये सोलैनम के अलग अलग नाम है, बुक के अंदर इंडिकेटेड नहीं है, नोट कर सकते हो। पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस एंड पैंथरा कैनेडस। ठीक है ना, अगर भैया जहां पे भी कैपिटल लेटर लिख रहा हो उधर पे छोटा कर लेना, हमारे पवन भैया की थोड़ी सी गलती थी। एंड होमो सेपियंस। ठीक, और कुछ लिखना हो तो इरेक्टस है,
एबिलस है ये भैया, होमो है, होमो में फॉलो नहीं होता सर, वो भी नहीं तो होगा ना, बिल्कुल होता है, नाम किसने बोला नहीं होता है, मैं होमो बफेलो मत बोल। नेक्स्ट इज जीनस। जीनस इट इज एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड स्पीशीज हैं, उनको हम लोग जीनस की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, इंट्रा जेनेरिक क्रॉस ब्रीड्स भी पाई जा सकती हैं। ठीक, कई बार देखने को मिलता है दो अलग अलग जेनरा के ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस किया जाता है एक नया ऑर्गेनिज्म पाने की फिराक में, वो बात अलग है, कभी कभी फेल भी हो जाता है। एग्जाम्पल वही देख चुके हो, जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, टमेटो सब एक ही जेनरा से बिलोंग करते हैं, दैट इज सेलेनम। ठीक, लायन, लेपर्ड और टाइगर एक जो स्पीशीज हैं वो एक जेनरा से बिलोंग करते हैं, दैट इज पैंथरा। ठीक, ये जीनस जो है वो अलग अलग, उसे दस जीनस डिफर्स फ्रॉम द जीनस पैलेस। ठीक है ना, पैलेस वो बिल्लियों की अलग कैटेगरी है ना, उनके अलग अलग जीनस से बिलोंग कर सकते हैं। राइट, तो कई सारे जीनस एक हो सकते हैं, उनकी स्पीशीज डिफर पाई जा सकती हैं। राइट, जैसे पहले मेरे को शुरू शुरू में ये नहीं पता था कि चीता और लेपर्ड के अंदर के डिफरेंस होता है, अब ये छोटा सा बालक क्या जानेगा। देन व्हाट इज फैमिली, ये सिंपल सी बात है, ये क्लोजली रिलेटेड जेनरा के बात होगी, है ना। फैमिली सोलनेसे इंक्लूड्स सोलैनम, क्यूनिया एंड धतूरा। ठीक है ना, धतूरा, खाय बोरा, कनक कनक ते सौगनी, मादकता अधिकाय, खाय बोरा या पाय बोरा है ना, किसी को सोना मिल जाता है तो पागल हो जाता है, और जिसको कोई धतूरा खा लेता है तो पागल हो जाता है। राइट, तो सोलनेसे फैमिली के अंदर सोलैनम, क्यूनिया और धतूरा जैसे अलग अलग जीनस बिलोंग कर सकते हैं। फैमिली फेलिडे के अंदर जो हम लोगों ने अभी पैंथरा और फेलिस पढ़े थे ना, दो अलग अलग जीनस, वो एक फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं, दैट इज फेलिडे। ठीक, पैंथरा एंड जीनस फेलिस, लिखना ही भूल गए। राइट, बोलते हैं ना कि बिल्लियां जो हैं वो शेरों से बिलोंग करती हैं ना, तभी तो छाती के अंदर वो नाखून गाड़ के घुस जाती हैं। हाँ, बिल्लियां बहुत निकम्मी होती हैं, लिटरली बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज ऑर्डर, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ठीक, जैसे ऑर्डर पॉलीमोनेल्स जो है इसके अंदर फैमिली कॉन्वोल्यूसे और सोलनेसे बिलोंग करती है। कॉन्वोल्यूसेस के अंदर अलग अलग जीनस होंगे, ठीक, उन जीनस के अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होंगे। ठीक, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर फेलिडे और कैनिडे बिलोंग करती है, फेली यानी कि बिल्लियों की, और ये डॉग फैमिली होती है ना, जिसमें लकड़ बग्गे हमारे के हस्की वस्की सब इंक्लूड हो जाते हैं। राइट, क्लास, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा, कार्निवोरा, सब के सब एक मेमेलियन फैमिली के अंदर, सॉरी एक मेमेलियन क्लास के अंदर रखे जाते हैं। क्यों, इन सबके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। राइट, देन कम्स द अपर ऑर्डर कॉल्ड फाइलम, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस। ठीक, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइला, एप्स, ये सब के सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, है ना, जो कि लेटर ऑन वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। राइट, एंड जो सबसे बड़ा ऑर्डर है दैट इज फाइलम और किंगडम, सॉरी किंगडम इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है ना, बोला जाता है राज्य, तो वही है किंगडम, प्लांटे, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। ठीक, ये हमारे पांच अलग अलग किंगडम है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये हैं। ठीक, इसको स्टार मार के छोड़ देता हूं क्योंकि तुम लोग खुद पढ़ सकते हो, बुक के अंदर भी इंडिकेटेड है, उसको अलग अलग हम लोगों ने यहाँ पर छाप दिया, बिंदास पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक, तो बेटा मिलते हैं आपसे कल, कल मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि नीट के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग को रटने वाली चीजों को ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जहां जहां पर भी एग्जाम्पल्स है उनके कुछ ना कुछ निमोनिक्स आप लोग को बताते चलेंगे, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान रहे। तो बेटा मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें,
और एक लाइक और शेयर तो प्लीज कर दीजिए, ताकि आपकी एक छोटी सी लाइक और शेयर से हम लोग को ज्यादा हेल्प मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।